गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ मोहित, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल ततारपुर इसमुरा। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट माय साइंस मॉडल। द नेम ऑफ माय मॉडल इज बायोचेंजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम बायोगैस। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, वह है एयर पोल्यूशन। तो हमारे देश इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने सीएनजी का प्रोडक्शन किया। इस सीएनजी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में अभी इतना नहीं बचा है। इसके लिए हमारे देश ने एक ऐसे बायोफ्यूल को यूज किया जिसका नाम बायो सीएनजी है। इसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसी भी फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बायोवेस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में अभी बहुत अधिक है। तो मैंने जो ये मॉडल बनाया है वो बायो सीएनजी की अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया है। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा। हम डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया से और मार्केट से वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लोड करवाकर फूड वेस्ट मिक्सिंग यूनिट तक पहुंचाएंगे। फिर उसको वहां पर चोक किया जाएगा। फिर उसको एक कंटेनर में डाल देंगे। फिर उसको बायोगैस प्लांट में डालेंगे और उसमें स्लरी ऐड करवाएंगे, जिसमें मिथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये बैक्टीरिया अभी बायो एनएरोबिक कंडीशन में होते हैं। उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है। अगर हम इसको सीधे इम्प्योर मीथेन गैस को बायोफ्यूल यूज करते हैं तो हमारी इंजन खराब हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम उसे प्यूरिफिकेशन सेंटर में भेजते हैं, जहां पर वह 92% से 98% पूरी तरह से प्योर की जाएगी। और फिर उसको गैस पाइपलाइन द्वारा आगे भेजकर उसको कंप्रेसर यूनिट में 20 या 25 एमपीए प्रेशर के साथ सिलेंडर्स में फिलिंग की जाएगी। फिर उसको डिस्पेंसिंग यूनिट में भेज दिया जाएगा। और जो बायो सीएनजी है उसको हम स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। फिर उसको जो हमारा जो बायोगैस प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है उसको हम मैन्यूर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। सबसे पहले, जितनी अमाउंट ऑफ CO2 बायो सीएनजी के प्रोडक्शन में जरूरी होती है, बर्न करने के लिए जरूरी होती है, उतनी ही अमाउंट ऑफ CO2 बायोमास के प्रोडक्शन में जरूरी होती है। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन को न्यूट्रल कर रहे हैं। दूसरा, बायो सीएनजी से जो गीले कचरे, जो सोइल पोल्यूशन होता है, उसको हम कई गुना खत्म कर सकते हैं। तीसरा, बायो सीएनजी से जो एयर पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को भी हम खत्म कर सकते हैं। चौथा, बायो सीएनजी के प्रोडक्शन प्लांट से हम रोजगार जैसी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाकर बेरोजगारी को कई गुना खत्म कर सकते हैं। और हमारे देश में एट प्रेजेंट अभी 17 बायो सीएनजी प्लांट ऑपरेशनल है। थैंक यू सो मच।